Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आई होप आप सभी मजे में होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से बोरी मुल्ला स्टाइल एकदम हरे चने। अगर आप मुंबई के हैं तो आपने ये हम कभी ना कभी तो लाइफ में खाया ही होगा, और नहीं खाया तो जल्दी जाके खाइएगा। बहुत ही मजेदार मिलते हैं बोरी मुल्ले में, मिलते हैं हरे चने। तो चलिए उसकी तरह हम आज बनाते हैं रेसिपी आज की, विदाउट टाइम वेस्ट किए साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की बनाते हैं। चलिए आधा कप चने जो आते हैं ब्राउन चने जिसे हम कहते हैं छोटे वाले, उसे आप तकरीबन 2-3 पानी से तो पहले धो लें, उसके बाद पानी में भिगा कर रात भर रहने दे पानी में भीगता हुआ, ढक कर रखिएगा और सुबह में उसका पानी फेंक कर उसमें अच्छा साफ पानी भर दें और एक मीडियम साइज का आलू डालकर पानी बराबर प्रॉपर डालकर नमक थोड़ा सा डालें और इसे सीटी खिला लें, 6-7 सीटी खिला लें या तब तक पकाएं जब तक ये जो चने हैं पूरी तरीके से गल नहीं जाते। तब तक जब गल जाए तो इसे छान कर साइड पर रख दीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाए तो आलू को छील लीजिए और रफली चॉप कर लीजिए, यानी कि काट लीजिए। एकदम मोटा मोटा नहीं काटना है और एकदम बारीक भी मत काटिएगा, रफली काटना है। छोटे मिक्सर जार के अंदर 1/4 कप टाइटली पैक्ड धोई हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। ज़्यादा भी आप ले सकते हैं 1/4 कप से, लेकिन 1/4 कप टाइटली पैक्ड ही लीजिएगा। मैं एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसमें 3-4 कड़ी पत्ते के डाल दीजिए वाइब्रेंट कलर के लिए, 1-2 टेबलस्पून पुदीने के डाल दीजिए पत्ते, 4-5 कली लहसुन की, 1/4 छोटा चाय चम्मच नमक और 1/4 छोटे चक्का चम्मच काला नमक, थोड़ा सा पानी डालकर इसे बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए। ये बन गया हमारा हरा मसाला, इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक बड़े से बाउल के अंदर जो चने आपने छाने हुए रखे हैं साइड पर आलू के साथ डाल दीजिए। यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ बारीक छुंदा कटी हुई, तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, और 2 टेबलस्पून टमाटर बारीक कटे हुए डाल रही हूँ। आप टमाटर और प्याज दोनों भी छोटी छोटी ले सकते हैं, मैं कम डाल रही हूँ। और ये जो हमने मसाला बना के रखा है हरी चटनी जिसे हरा मसाला कहते हैं, वो भी डाल दीजिए सारा, और जो भी आसपास लगा हो उसके अंदर ये जो हमारे मिक्सर जार के अंदर वो भी सारा ले लीजिएगा। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, नींबू का रस आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और नमक अगर अभी आप चख लीजिए कम लगता है तो अब आप वो जो काला नमक आता है ना वही डालिएगा, उससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट आता है। 1/2 छोटा चाय का चम्मच या फिर 1/2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 3/4 भी डाल सकते हैं, मैंने 1/2 डाला है। 1/2 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, कुछ भी एडजस्ट करने जैसा लगे तो एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए क्या बढ़िया से बने हमारे मज़ेदार से बोरी मुल्ला स्टाइल हरे चने। हमने तो बहुत खाए हैं भाई साहब, बचपन में तो इतना खाया और बड़े होते होते हमने बड़ा खाया है, तो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। आप प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और चारों ओर जो टमाटर होते हैं गोल गोल पहिए किए मैंने टमाटरों के, और उसके बीच में से काट कर उसे साइड पर इस तरीके से लगा देती हूँ जैसे भैया जी वहाँ मैंने देखा था वो उसी तरीके से सर्व करते हैं, उनकी जो ठेले पे रखे हुए थे, तो उसी तरीके से प्रेजेंटेशन मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो ये वाला प्रेजेंटेशन स्किप कर सकते हैं। तो बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार से हरे चने एकदम बोरी मुल्ला स्टाइल। अच्छा, मैंने बोरी मुल्ला स्टाइल नॉर्मल जो चने आते हैं ग्रेवी वाले जो तिल्ली के साथ खाए जाते हैं वो भी मैंने बनाया और मेरे चैनल पर अपलोड किए, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो कैसे लगे चने? हरे चने मज़ेदार लगे ना, चने पराठे मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर, खाकर। आप अगर बनाएगा तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड भी कीजिए, और थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।